93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। किताबों और पढ़ने का बेहद शौकीन विपुल बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ था जब उसकी नींद बाहर होती बरसात में अचानक गरजती हुई बिजली की आवाज से टूटी। खिड़की से आती पानी की छींटों ने भी दोबारा नींद के आने की गुंजाइश खत्म कर दी थी। खैर, विपुल उठा और उसने अपनी उंगलियों में कुछ उलझा हुआ पाया। नींद से भरी आंखों को मल कर देखा तो विपुल ने अपनी उंगलियों में एक लंबा सा बाल पाया। इतना लंबा बाल तो किसी लड़की का ही हो सकता है। ये सोचते हुए जैसे ही उसने अपने बिस्तर को देखा तो उसे दो चार बाल और दिखे। अकेले रहने वाले विपुल के कमरे में किसी लड़की के इतने लंबे लंबे बाल कैसे आए, ये सोच सोच के विपुल खुद परेशान होता हुआ उठा और खिड़की से हाथ बढ़ाकर सारे बाल उसने बाहर फेंक दिए। बारिश की मोटी मोटी बूंदों में वो बाल कहीं बह गए। पलट के विपुल ने सोचा हाथ मुंह धोएगा तो पूरे कमरे में अचानक जैसे किसी लड़की के होने की खुशबू सी फैल गई। इत्र था या सेंट, जो भी था किसी लड़की का ही था। पूरे कमरे में एक भीनी सी खुशबू बिखेरे हुए था। विपुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। ना कोई आया ना कोई गया तो फिर इतना सब कुछ कैसे। सोचा हाथ मुंह धोएगा तो शायद नींद का नशा उतरेगा और अपने आप सब कुछ सही भी हो जाएगा। हाथ मुंह धोकर उसने एक गहरी सांस ली और बाथरूम से हाथ मुंह पहुंचता हुआ वो कमरे में आया तो उसकी आंखों के सामने रखी वो खाली कुर्सी जरा सी पीछे हुई फिर ऐसे हिली जैसे कोई उस पे अभी तक बैठा था और विपुल की परेशानी और घबराहट का तमाशा देख रहा था। विपुल भी इंसान ही था, बुरी तरह घबराया हुआ था। विपुल इस सबसे और उसकी इस घबराहट पे आग में घी का काम किया उस किताब के हवा में अचानक फड़फड़ा के पलटते पन्नों ने। विपुल के लिए शायद यही देखना बाकी था। विपुल ने किताब उठाई, पिछले दरवाजे तक गया जहां से कूड़ेदान थोड़ी सी ही दूर था। विपुल ने वो किताब बदन की पूरी ताकत लगाकर फेंकी और बरसात की बूंदों के बीच धीमी होती वो किताब सीधे पांच मकानों के कूड़ेदान पार करके एक कोने में जा गिरी और बारिश में भीगती रही। खड़े खड़े उस किताब को भीगते और मिटते हुए विपुल देख रहा था जब अचानक जो किताबें उसने इंटरनेट पर ऑर्डर की थी पक्का वही है। विपुल ने दरवाजा खोला, कुरियर लिया और पैकेट हाथ में लेते ही खुशी से पैकेट को फाड़ना शुरू किया। दो किताबें ऑर्डर की थी उसने लेकिन किताबें उसे तीन मिली थी। जरूर कोई ऑफर रहा होगा। पैकेजिंग फाड़ कर देखा तो दो किताबें वही थी जो उसने ऑर्डर की थी पर तीसरी किताब वही थी जो उसने अभी
थोड़ी देर पहले बाहर फेंकी थी। विपुल के हाथ से किताबें छूट कर गिर गई। कुछ देर वो बस खुले मुंह और बड़ी आंखों से जमीन पर पड़ी उस किताब को घूरता रहा और फिर अचानक ही उसे होश सा आया और दौड़ के पीछे ही बालकनी में जाकर झांक के बाहर देखा। वो किताब जो उसने अभी बाहर फेंकी थी वो वहां उस कूड़ेदान में नहीं थी। विपुल का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। बरसात भी अब तक रुक चुकी थी। विपुल ने तुरंत किचन से केरोसिन की बोतल उठाई, किताब ली और छत की ओर दौड़ा। छत पर एक कोने में टिन की छत थी, नीचे पूरा सूखा था। वहां उसे कोने में विपुल ने किताब रखी, उस पर केरोसिन डाला और आग लगा दी। धू धू करके वो किताब जल उठी और विपुल ने राहत की सांस ली। कुछ देर उस किताब को जल के तबाह होते देखा और दिल में सुकून भर गया। तब कहीं जाकर विपुल नीचे उतर आया। नीचे आकर विपुल ने सुकून से अपने लिए एक प्याली चाय बनाई और चाय पीते पीते ही ऊपर वापस छत पर गया और अपने सामने विपुल ने जो देखा उसने विपुल की भाग चुकी घबराहट को दुगना करके वापस उसकी नस नस में भर डाला। विपुल के सामने जिस कोने में उसने किताब जलाई थी वहां सिर्फ किताब की राख ही नहीं थी बल्कि धुएं से दीवार पर एक साया ऐसा बना हुआ था जैसे कोई खड़ा था वहां। विपुल अब हार नहीं सकता था। अब घबराहट से ज्यादा गुस्सा था उसकी आंखों में। नीचे दौड़ कर गया और एक बाल्टी लेकर आया। टंकी खोलकर उसमें पानी भर के पूरी बाल्टी राख और धुएं की ओर उड़ेल दिया और पास पड़ा कपड़ा लेकर लगा पूरी ताकत लगा के दागों को घिसने। विपुल इस वक्त अपनी जिद में कैद था। एक एक दाग जब तक मिट नहीं गया विपुल उठा नहीं और आखिरकार जब उठा तो पूरी दीवार पहले जैसी चमक रही थी। विपुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किले को फतह करके आया था। नीचे आकर बाथरूम में जाकर सीधे विपुल ने अपने हाथ पैर धोए और बाहर आकर हाथ पैर पहुंच ही रहा था जब विपुल की आंखों के सामने फर्श पर काले रंग के पैरों के निशान बने थे जैसे कि उसी जली किताब की राख में कोई चल कर निकला और कमरे से चल के गया था। तौलिया रखकर विपुल ने कदमों के पीछे चलना शुरू किया। जाते जाते विपुल ने देखा कि कदमों के निशान स्टोर रूम तक जाकर खत्म हो रहे थे। विपुल इस वक्त शतरंज की बिसात पे उस शाह की तरह था जिसे किस्मत हर मोड़ पे चारों ओर से शह पे शह दे रही थी लेकिन मिलनी उसे हर मोड़ पर सिर्फ मात ही थी। विपुल ने धीमे से वो चरमराता हुआ स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया वरना शायद उसकी ऐसी चीख निकलती जिसे पूरा इलाका सालों तक याद रखता। विपुल के सामने दरवाजे से होते हुए वो काले रंग के पैरों के निशान एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे बने हुए थे जैसे कोई छत से
वहां तक पैदल आया और स्टोर रूम में घुसा। और यही नहीं, चलते चलते वो फर्श से दीवार पे चढ़ा और चलता गया। विपुल की नजरें फर्श के बाद दीवार से होती हुई छत तक उन पैरों के निशान देखती गई और बिल्कुल अपने सर के ऊपर कदमों के निशान जैसे ही विपुल ने खत्म होते देखे तो जिसके भी वो पैरों के निशान थे वो उस पे कूद पड़ा और विपुल वहीं बेहोश हो गया। काफी वक्त के बाद विपुल को होश आया तो सर पकड़े हुए विपुल उठने गया तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उठा तो महसूस हुआ जैसे विपुल का वजन बहुत बढ़ सा गया था। विपुल को ऐसा लग रहा था उसके ऊपर उसके अंदर जैसे वो अकेला नहीं था। भारी कदमों से एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ विपुल बढ़ता गया और अपने कमरे के दरवाजे पर जाकर एक गहरी सांस ली और पलंग की ओर देखा तो उसके पलंग पर जैसे मेला लगा था। पलंग के बीचों बीच वही किताब रखी थी, आधी जली गीली और सड़ी हुई सी। उसमें अजीब से खिलबिलाते कीड़े लगे थे जो कागज को भी सड़ते हुए गोश्त की तरह नोच नोच के बड़े चाव से खा रहे थे। विपुल जैसे अपने होश में ही नहीं था। विपुल की आंखें आधी खुली थी। वो बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ किताब की ओर बढ़ता गया और उस किताब के पास जाकर किसी भूखे की तरह ललचाई हुई नजरों से उस किताब को देखता रहा और देखते देखते एक हाथ से उस किताब पर लगे कीड़ों को मुट्ठी में उठाया और नशे भरी आंखों से उन्हें देखता हुआ अपनी मुट्ठी से बाहर लटकते तिलमिलाते उन कीड़ों को अपने दांतों में किसी बड़े लजीज गोश्त की बोटी की तरह चबाने लगा। घिनौने पन की सारी हदों को पार करके जब विपुल उन कीड़ों को चबाता जा रहा था तभी अचानक विपुल जैसे होश में आया और उसे पता चला कि वो क्या कर रहा है। दौड़ते हुए विपुल वॉश बेसिन की ओर भागा। दिल में और बदन पे घिन लिए विपुल उल्टियां किए जा रहा था। जब उल्टी करके विपुल ने मुंह धोया और पलट के वापस कमरे में जाने को हुआ तो मुश्किल से करीबन दो ही कदम बढ़ा होगा विपुल जब विपुल की सांसें भर आई थी। विपुल ने पलट कर देखा तो शीशे में एक लड़की थी जो उसे पुकार रही थी। विपुल के सामने ही वो लड़की अब उसे अपने करीब पुकार रही थी। एक मुस्कुराहट सी थी उसके चेहरे पर, ऐसी मुस्कुराहट जो बता रही थी कि कुछ होने वाला है और जिसका डर था वही हुआ। एक ही पल में अभी तक विपुल शीशे के बाहर था और लड़की उसे शीशे में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब
विपुल शीशे के बाहर तो था ही, लेकिन शीशे में उसे अपना ही अक्स दिख रहा था। लेकिन महसूस अंदर से वो ये कर पा रहा था कि उसके अंदर वो शीशे वाली लड़की समा चुकी है। इन सब की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी। विपुल बुक मार्केट से एक किताब लाया जिसके बारे में दुकानदार ने कहा था कि इस किताब को पढ़कर आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है। विपुल ने भी वो पतली सी किताब नजर भर देखी और हंसते हुए उस किताब को खरीद लिया। घर पे जब वो किताब आराम से पढ़ने लगा तो किताब पढ़ते पढ़ते ही आंख लग गई और जब तक विपुल सोता रहा विपुल सोकर जब उठा और काम धाम करने के बाद आखिर में वापस किताब पढ़ने बैठा। विपुल को समझ आया कि ये कहानी तो वो जानता है, उसने किताब नहीं पढ़ी थी, कहानी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जानता था कि क्या होगा आगे कहानी में। कैसे? इसका जवाब उसके पास फिलहाल नहीं था। फिर से कहानी पढ़ते पढ़ते आंख लगी और उसके बाद भी वही हुआ। सुबह उठते के साथ ही विपुल ने दोबारा तुरंत किताब उठाकर दूसरी कहानी पढ़ने की कोशिश की तो आगे की कहानी फिर से उसे पता थी। विपुल ने इस बार किताब को बंद करके किनारे नहीं रखा बल्कि उसको पढ़ के सच्चाई जानने के लिए उसके पन्ने पलटता चला गया और कुछ पन्नों तक तो कहानियां थी लेकिन उसके बाद सारे पन्ने कोरे थे। इसका क्या मतलब था? कोई रोज रात नींद में उसको सारी कहानियां कानों में सुना जाता था, कोई था जिसकी कहानियां काफी हद तक लिखी तो थी लेकिन इसके आगे के कोरे पन्नों में शायद जिसकी भी एक कहानियां थी वही कैद थी। एक आखिरी बार उन सादे पन्नों का राज जानने के लिए विपुल ने अपने कान उस किताब के सादे पन्नों से चिपकाए। वो जो कोई भी था उसने विपुल के दिमाग के साथ खेलकर उसे मजबूर किया था इन सादे पन्नों पर कान लगाने के लिए और कान लगाते के साथ ही विपुल को ऐसा लगा जैसे उसके कान में एक भयानक तेज दर्द उठा और धीरे धीरे पूरा शरीर भारी होता गया। वो चाह कर भी उस किताब के सादे पन्नों से अपने कान को तब तक नहीं हटा पाया जब तक उन सादे पन्नों के रास्ते विपुल के कान से होते हुए कोई उसके अंदर ना समा गया। उस दिन के बाद से विपुल अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा और धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता गया। आज की तारीख में विपुल आपको किसी भी मेले में नजर आ सकता है जहां वो लोगों को एक किताब पर कान लगवाकर कहानियां सुनाता है। बाकी सब तो ठीक है,
कहानी सुनते सुनते आप उन सादे पन्नों तक मत पहुंचिएगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।